उस समय अपने थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे सेम मानेकशॉ। यदि भारत में रहने वाला कोई बंदा सेम को नहीं जानता है तो उसे भारत में रहने के अधिकार समाप्त किए जाने चाहिए। सेम बड़ा गजब आदमी था, सेम मानेकशॉ पारसी थे, सेम मानेकशॉ पारसी थे, स्टाइलिश मुछे रखा करते थे, बड़े स्टाइलिश बंदे थे, हमेशा यूं अच्छे कपड़ों के अंदर ना फैशन था कि कपड़े कभी मैं यूं पुराने कपड़े कैसे पहन लूं, ऐसा होता ही नहीं था सेम के साथ। और बड़ा बोल्ड आदमी, एक सेम ऐसे बंदे थे जो इंदिरा गांधी को भी कुछ भी बोल दिया करते थे। इंदिरा गांधी ने जब उनको 71 में जब जून के आसपास कहा था कि जून के अंदर तुम पाकिस्तान पर हमला कर दो, और सेम ने कहा था कि नो मैडम, जून में हमला नहीं किया जा सकता। तो हमला कब करोगे? हमला तब करेंगे जब बर्फ गिरने लगेगी, क्योंकि जब बर्फ गिरने लगेगी तो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कि हिमालय पूरा बर्फ से आच्छादित हो जाएगा, चाइना वाले इधर आ ही नहीं पाएंगे, पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा, अकेला पड़ेगा तब वॉर करेंगे। ये कब आएगा? दिसंबर, दिसंबर में हमला करेंगे। इसलिए बांग्लादेश को आजाद 16 दिसंबर को करवाया गया है, 16 दिसंबर को वो हम विजय दिवस मनाते हैं। तो बहुत शानदार डायलॉग है ना। इंदिरा गांधी ने वापस पूछा कि कमांड दिसंबर जैसे आया तो वापस 1 दिसंबर के आसपास इंदिरा गांधी ने मैसेज किया कि क्या आप तैयार हो आप इस बात के लिए? यस स्वीटी। तो इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने वाला यदि कोई बंदा था तो वो बंदे 71 की वॉर के बाद में सेम इतने फेमस थे, इतने फेमस थे कि देश में बातें थी कि सेम अब देश पर कब्जा करेंगे। जैसे पाकिस्तान में होता है, कोई भी सेना का कमांडर जब हावी होता है तो प्रधानमंत्री को उठाकर वहां पर बन जाता है। तो इंदिरा गांधी के जब शाम को डिनर का प्रोग्राम था, इंडियन आर्मी के जो भी मेजर थे, जो अफसर थे, उनको डिनर के लिए बुलाया गया प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि सेम मैंने सुना है कि तुम तख्ता पलट करोगे, मेरी जगह पे तुम आओगे। सैम हंसे और सैम ने हंस के कहा कि मुझे लगता है मेरे और प्रधानमंत्री में एक ही समानता है कि तुम्हारी नाक भी तिखी और मेरी नाक भी तिखी है। इंदिरा गांधी की नाक तिखी हुआ करती थी, सैम की नाक बहुत तिखी थी। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि मेरे में पीएम मटेरियल टाइप की कोई भी चीज है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं देशभक्त आदमी हूं, मैं सैनिक हूं, और सैनिक कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। सर्वोच्च आदेश जो कहे जाए सैनिक वहां पर लड़ेगा। जब सैम अपने यहाँ पे थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे तब पाकिस्तान में उधर थल सेना अध्यक्ष राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, यहिया खान। कौन थे? जब अंग्रेज जब तक देश नहीं छोड़ के गए थे उससे थोड़े साल पहले सेम अंग्रेजों की आर्मी में रिक्रूट हुए थे और सेम के जूनियर हुआ करते थे यहिया खान। जब सेना का विभाजन किया जा रहा था 47 में का, मुसलमान फौजी पाकिस्तान जाएंगे, इंडियन सोल्जर जो हिंदू सोल्जर जितने भी वो कहां रहेंगे? इंडिया। पारसी चूंकि इंडिया में रहे थे तो सेम भी कहां पर रहेंगे? इंडिया। तो जब यहिया खान जा रहे थे, यहिया खान जूनियर थे, तो यहिया खान ने सेम से कहा कि सर आपके पास वो एक जो बाइक है, उनके पास उस टाइम की कोई महंगी बाइक थी, उस समय 8-10 हजार रुपए की बाइक आया करती थी, कि वो जो सर आपके पास एक बाइक है वो बाइक मुझे चाहिए सर। तो ठीक है ले लो। तो सर मेरे पास इतने रुपए नहीं जितने की बाइक है। सैम ने कहा दे देना, तो जितने दे उतने दे देना यार। और फौजियों में ये होता है कि जूनियर कुछ भी मांग ले फिर सीनियर उसके लिए मना नहीं करता। सैम ने दे दी बाइक। यहिया खान ने फिर कहा ये जो इतने रुपए में लूंगा ये रुपए भी अब मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान जाके दूंगा। सैम ने कहा ठीक है पाकिस्तान जाके दे देना। लेकिन यहिया खान ने पाकिस्तान जाके सैम को रुपए भेजे नहीं, खा गया यहिया खान पैसे, खा गया। मतलब पाकिस्तान आ गया तो मेरे से कौन लेगा, पैसे खा गया सैम वहां पे। अब 71 वाली वॉर जीत गए। 71 की वॉर जीतने के बाद में अपने सैम इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने पाकिस्तान जीत लिया इस पर आप क्या कहेंगे, आपने ऐसा क्यों किया, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। सैम हंसे, सैम बड़े मजाकिया बंदे थे। सैम हंसे, सैम ने हंस के कहा कि आज के 20-25 साल पहले यहिया खान मेरी बाइक ले गया था और उसने उसका हिसाब नहीं किया था, इसलिए मैंने उसका आधा देश ले लिया। मैंने उसका भाई पहले दो हिस्से, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, तो मोटरसाइकिल का हिसाब तो आपको चुकाना पड़ेगा, मैं इस बार ले चुका हूं उसको। इसलिए हर बच्चे को आज घर पे जाके खूब सारी बातें पढ़ना, इंडियन आर्मी ऐसा कमांडर नहीं देख पाएगी सैम जैसा। और गजब के नेता थे उस टाइम में, नेता ही मान लो आप, थल सेना अध्यक्ष था अपने आप में, तो फौजियों का तो नेता ही हो गया वो। और कित क्या फौजी राजी रहा करते थे सैम से, क्या उस समय का जो हमारे डिफेंस स्टाफ था वो राजी रहा करता था, क्या लीडरशिप क्वालिटी थी।